तो वेलकम बैक जय स्टूडेंट। बात करेंगे कल का ECS T10 हॉस्ट्री का बीच के बारे में। मैच खेला जाएगा जो कि पाक सी वर्सेज VCC के बीच में खेला जाएगा मैच। तो अगर मैच देख लेते प्लेयर्स, चलो प्लेयर का स्टैट्स क्या है, प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या है वो देख लेते। तो अगर पहले पाक सी का एक स्टैट्स देख लो, उनका स्क्वाड का स्टैट्स क्या है। मोहम्मद कासिम 2 मैच में 34 रन, बैटिंग एवरेज 17 है और बॉलिंग भी करते हैं, कभी कभी विकेट भी लेते हैं। और अमर नमी 2 मैच में 20 रन बनाए, 1 मैच में 10 रन, 1 मैच में 10 रन बनाए। और इमरान गोरिया उतना खास नहीं है, 2 मैच में सिर्फ 2 रन बनाए। और नवीन हसन 2 मैच में 4 रन, 1 विकेट भी लिए। और जिरून सेनवारी ये 2 मैच में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़े पिक हो सकते हैं। और सन्दान खान 2 मैच में 42 रन बनाए, एवरेज का 21 है उनका। और मोहम्मद अजमल 2 मैच में 11 रन बनाए और 1 विकेट भी चटकाए। और नासिर 2 मैच में 1 विकेट। और अबुसिन दस्तोनी 2 मैच में 53 रन बनाए, एवरेज 26 का है और 1 विकेट भी चटकाए। और सिकंदर का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, और कोरन समझा के भी उनका खास नहीं है, और नीचे कोई उतना खास नहीं दिख रहे। तो चलो VCC के टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई स्पष्ट अब्दुल अकबर जन आते हैं, 2 मैच में 67 रन की पारी खेल कर आ रहे, 5 विकेट भी लिए, एवरेज 33 का इनका, ये बहुत बड़े पिक हो सकते हैं, आप कैप्टन बन सकते हो। और आसिम आरिफ 13 मैच में 30 रन प्लस विकेट भी लेंगे, बॉलिंग भी करने आते हैं। और मार्क सिप्सन पार्कर 2 मैच में 3 विकेट, 35 रन बनाए, एवरेज 17 का है उनका। और क्विंटन नॉरिस 2 मैच में सिर्फ 1 रन बनाए, उतना खास नहीं है। और ह्यूमिस जा दो मैच में दो ही मैच बैटिंग भी बॉलिंग भी कुछ भी नहीं है उनका, वही प्लेयर है। डैनियल एक्सटेन ये भी 2 मैच में 27 रन बनाए और 1 विकेट भी चटकाए। और जावेद जादन 2 मैच में 52 रन और 1 विकेट लिए, ये भी बहुत बड़े पिक हो सकते हैं। और नवीन विजशेखर 2 मैच में 3 विकेट लिए। और जसन आरिफ 1 मैच में 19 रन। और नीचे उतना खास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई अच्छा प्लेयर भी नहीं दिख रहे। चलो गाइस एक बार टीम देख लेते हैं। तो गाइस एक स्मॉल टीम रजिस्टर में मैं 5 बैट्समैन लिया हूँ, उसमें मोहम्मद कासिम, मार्क सिप्सन, राहुल लाल उनको लिया हूँ। मार्क सिप्सन पिछले मैच देख सकते हो, उन्होंने 6 रन 3 विकेट लिए थे, और उससे पहले मैच 20 रन 1 विकेट। हालांकि ये बैट्समैन प्लस बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए मैं इनको पिक किया हूँ। और मार्क सिप्सन पार्कर भी एक अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग करने आते हैं प्लस बॉलिंग भी करते हैं और विकेट टेकर बॉलर भी है। पिछले मैच में 8 रन 2 विकेट और उससे पहले उन्होंने 27 रन 1 विकेट चटकाए थे, ये भी बहुत बड़े प्लेयर है, इसलिए मैं इनको पिक किया हूँ। और राहुल अब्दुल रहमान ये भी एक अच्छे बॉलर है, अब्दुल रहमान जी पिछले मैच देख सकते हो उन्होंने 21 रन की पारी खेली थी, और उससे पहले थोड़ा फ्लॉप थे, हालांकि उतना खास रन नहीं बना पाए थे, पर प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और डैनियल एक्सटन ये भी एक अच्छे बॉलर है, प्लस बैटिंग भी करते हैं कुछ एक, इनका देख सकते रिकॉर्ड पिछले मैच में 24 रन की पारी खेलते प्लस 1 विकेट भी चट गए, और उससे पहले थोड़ा मैच फ्लॉप थे, और उससे पहले 58 रन की पारी खेली, ये भी बहुत बड़ा प्लेयर है। एक मैच देख सकते हो 56 रन की पारी भी खेली, प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए इनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में नवीन विजशेखर के साथ जा रहा हूँ, विजशेखर भी एक बहुत बड़े प्लेयर है, देख सकते हो उनका रिकॉर्ड पिछले मैच में थोड़ा फ्लॉप हुए थे, सिर्फ 1 विकेट चढ़ गए थे पर रन नहीं बना पाए थे, पर उससे पहले 1 रन 2 विकेट लेकर अच्छे पिक हो सकते हैं, ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं। और विकेट कीपर सेक्शन में देख लेते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में आमिर नसीम नईम को लिया हूँ मैं। नईम का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच छोड़कर सब मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, पिछले मैच में थोड़ा डक पर उड़ रहे, लास्ट 4 मैच देख सकते हो 30 30 40 इस तरफ ये पॉइंट्स देकर आ रहे हैं। एक मैच देख सकते हो 53 रन की पारी के लिए, विकेट कीपर है इसलिए मैं उनको पिक किया हूँ। और ऑलराउंडर में सन्दन खान और नवीद हसन को लिया हूँ। सन्दन खान पिछले मैच में थोड़ा फ्लॉप रहे थे, सिर्फ उन्होंने 12 रन बना पाए थे, पर उससे पहले उन्होंने 2 विकेट चट गए थे और उससे पहले थोड़ा फ्लॉप रहे थे, पर प्लेयर बहुत बड़े हैं इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। एक मैच में 42 रन भी बनाए। और नवीद हसन ये भी एक अच्छे बॉलर है, नवीद हसन का भी रिकॉर्ड देख सकते हो आप, एक मैच में 20 रन पॉइंट्स दिए थे और उसमें 13 रन एक डॉट बॉल किए थे, उससे पहले 8 रन 2 विकेट चट गए थे, प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और वही बॉलिंग सेक्शन में अब्दुल अकबर जन ये भी एक बहुत बड़ा बॉलर है, आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो, पिछले मैच में हर मैच में 100 पॉइंट्स के ऊपर दे रहे हैं, पिछले मैच में 32 रन प्लस 2 विकेट चट गए थे और उससे पहले 35 रन 3 विकेट, प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। एक कैप्टन भी पिक हो सकती है या उनको ग्रैंड भी आप छोड़ सकते हो, प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और अभिषेक दोस्तल ये भी अच्छे बॉलर है, दोस्तल के रिकॉर्ड देख सकते हो, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले थोड़ा फ्लॉप रहे थे, सिर्फ 7 रन बना पाए थे, पर उससे पहले 49 रन की पारी खेली थी, प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और वही लास्ट सिनवारी के साथ जा रहा हूँ, सिनवारी एक अच्छे प्लेयर है, थोड़ा हालांकि 2-3 मैच में फ्लॉप रहे थे, एक मैच में देख सकते हो उन्होंने
तीन डॉट बॉल दो विकेट चटका के 183 पॉइंट्स दिए थे। प्लेयर बहुत बड़े हैं, मैं इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चलो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन बात कर लेते हैं। तो गाइस कैप्टन मतलब अब्दुल अकबर जन रहेगा, वाइस कैप्टन मोहम्मद कौसिम कर रहा हूँ। तो अब्दुल अकबर जन क्या सबका कैप्टन रहेगा, वैसे प्लेयर भी है, तगड़ा बैट्समैन प्लस बैटिंग भी बॉलिंग भी करता है, इसलिए मैं कैप्टन बना हुआ। मोहम्मद कौसिम को वाइस कैप्टन बनाऊँ, ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं। तो एक स्मॉल एक टीम रहेगी, इस टीम में साथ खेल रहा हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।